एवरीवन, वेलकम बैक माय बेबी केयर विथ मी। मैं हूँ प्रीति। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर बात करूंगी रैश के बारे में। ये बहुत ही कॉमन हो चुका है गाइज, बेबी को रैश हो जाता है। तो गाइज इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, बट स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको तीन पॉइंट्स बताने वाली हूँ, बेबी को डाइपर रैश होने का क्या कारण है, बेबी को डाइपर रैश हो जाए तो क्या करना चाहिए, और बेबी को डाइपर रैश हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो जो मेरा फर्स्ट है, बेबी को डाइपर रैश होने का कारण। रैश होने के बहुत सारे संभावना होती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसके कारण बेबी को सूट नहीं करता है और डायपर रैश हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगी कि आप अपने बेबी का डायपर हर 3 से 4 घंटे में चेंज करते रहें। इससे क्या होता है कि बेबी का जो नमी है वो नहीं बन पाता है और डायपर रैश होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरा नेक्स्ट ये है कि बेबी अगर पॉटी कर देता है डायपर में तो आप उसे इमिडिएटली चेंज करें। कभी कभी क्या होता है कि एज ए पेरेंट्स बेबी पॉटी कर देता है और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण भी रैश होने की संभावना हो जाती है। तो हमेशा आप केयर करेंगे कि बेबी क्या किया है, बेबी की डायपर गीला है या नहीं, बेबी पॉटी किया है या नहीं। अगर आप टाइम टू टाइम ये सब केयर करेंगे तो आपके बेबी को रैश कभी भी नहीं होंगे। और मेरा नेक्स्ट ये है कि तो हमेशा आप अपने से बड़े साइज का, एक साइज बड़ा डायपर यूज करें जिससे रैश होने की संभावना कम होती। और कभी कभी ये भी होता है कि बेबी को आप कुछ न्यू चीज़ खिला रहे हैं या कोई न्यू भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो बेबी को सूट नहीं करता है, तो सूट ना होने के कारण भी बेबी को रैसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो मैं बताई वो बेबी को रैसेस होने के कारण थे। तो अब मैं बता रही हूँ कि बेबी को रैसेस हो जाए तो क्या करना चाहिए। रैसेस की समस्या हो जाए तो सबसे पहले आपको डायपर को अवॉइड करना होगा। आप कुछ दिनों तक डायपर को अवॉइड करें जिससे बेबी रैसेस से छुटकारा पा सकता है। और मेरा नेक्स्ट ये है कि जब भी बेबी को रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमेशा गुनगुना पानी से उस डायपर एरिया को क्लीन करें और इसके बाद कुछ देर खुला रहने दें। इसके बाद आप एक साइज बड़ा ही डायपर पहनाएं या तो फिर कुछ खुला कॉटन का पैंट वगैरह पहना सकते हैं, जिससे बेबी को आराम मिल सके और बेबी कंफर्ट फील कर सके। क्या होता है कि बेबी को आप साइज का डायपर पहनाते हैं और बेबी का डायपर टाइट होने के कारण वो अनकंफर्टेबल होता है, जिसके कारण रैसेस हो जाती है। तो आप हमेशा एक साइज के अगर बड़ा डायपर पहनाएंगे तो रैसेस होने की संभावना कम। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बेबी का डायपर हमेशा 3 से 4 घंटे में हम हर टाइम चेंज करते रहें और उसे गीला में कभी रहने मत दें। अगर बेबी आपका गीला में रहता है तो रैसेस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और आप एक काम और कर सकते हैं कि रैश क्रीम आती है तो आप बेबी के ऊपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिससे रैसेस से आप छुटकारा पा सकते हैं। और जब भी आप रैश क्रीम खरीदें तो हमेशा आप उसमें जिंक ऑक्साइड देखकर ही खरीदें। और अगर आपके पास आपके घर में अवेलेबल नहीं है रैसेस क्रीम तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी रैसेस कम होने की संभावना होती है। और इतना करने के बाद भी, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने के बाद भी आपको आपके बेबी को रैसेस ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप इमिडिएटली डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको रैसेस क्रीम चाहिए तो कुछ रैसेस क्रीम के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। मेरा लास्ट पॉइंट्स है वो बेबी को अगर रैश हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज अगर बेबी को रैश हो जाए तो सबसे पहले तो आपको डायपर को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप डायपर को अवॉइड करते हैं तो आप रैसेस से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको कुछ ही दिन करना है, जब आप बेबी का रैसेस ठीक हो जाए तो आप फिर से डायपर पहनाना। बट याद रखना कि जब भी डायपर पहनाओ तो एक साइज बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी डायपर टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट डायपर के कारण भी रैसेस के चांस बहुत ज़्यादा। मेरा नेक्स्ट है कि बेबी को जब भी आप कुछ भी खाने में देते हैं और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी को मैंने ये यूज़ किया या बेबी को मैंने ये चीज़ खिलाया तो जिसके कारण रैसेस हो गई, तो आप वो चीज़ कुछ दिन करना बंद कर दे, उसके बाद आप उसे फिर से यूज कर सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट हैं जो बेबी को सूट नहीं करता है और कुछ खाने में जो फूड आइटम आप देते हैं बेबी को सूट नहीं करता है, जिसके कारण भी रैसेस होने की संभावना हो जाती है और जो डायपर एरिया है बहुत ड्राई हो जाती है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर की बेबी को रैश होने का
क्या कारण है, बेबी को रैश हो जाए तो क्या करना चाहिए और बेबी को रैश हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, अगर मेरे द्वारा दिए गए टिप्स एंड पॉइंट्स अगर आपको काम किया तो आप ज़रूर कमेंट करना एंड मेरे द्वारा दिए गए टिप्स को फॉलो करना और आपके बेबी को भी रैसेस ठीक हो जाए तो कमेंट करके बताना। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना एंड